बिना गठबंधन चुनाव लड़ी मायावती तो मिलेगी इतनी सीटें और अखिलेश का होगा ये हाल। नमस्कार, लोकसभा चुनाव 2019 में सपा बसपा ने एक साथ मिलकर मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए। नतीजे आए तो चुनाव पूर्व गठबंधन पर फूले नहीं समा रहे। अखिलेश मायावती को निराशा हाथ लगी। जहां मायावती को 10 सीटें तो वहीं अखिलेश यादव को महज 5 सीटें ही मिली। हालांकि दोनों दलों के बीच हुआ ये गठबंधन अब टूट चुका है और दोनों दल अब अलग अलग चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया टुडे की डाटा इंटेलिजेंसी यूनिट ने 2019 लोकसभा चुनाव और 2017 विधानसभा के रुझानों की तुलना 2022 में होने वाली यूपी विधानसभा में की और देखा गया कि अगर दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़े तो उन्हें विधानसभा से कितनी सीटें मिलेंगी। इस तुलना में पता चला कि अगर सपा और बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ते हैं तो 2022 में जो नतीजे आएंगे वो बेहद बुरे होंगे। डाटा इंटेलिजेंसी यूनिट रुझाने में पता चला कि 2022 विधानसभा चुनाव में बसपा बिना सपा के महज 4 सीट पर सिमट सकती है और वही सपा को 8 सीटों का अनुमान बताया गया है। उन सभी 65 सीटों पर जहां बसपा पहले स्थान पर आई भाजपा उसे स्थान पर विराजमान थी। डाटा इंटेलिजेंसी यूनिट ने 2019 में जीती गई बसपा की सभी 65 विधानसभा सीटों में से 2017 में सपा को प्राप्त हुए वोट शेयर को घटाया। इन नंबरों को घटाने के बाद पता चला कि बिना सपा के सहयोग से बसपा केवल 4 विधानसभा सीट पर जीत दर्ज कर पाई और ज्यादा वोट शेयर होने की वजह से 61 सीटों पर भाजपा जीत दर्ज कर गई। जिन 4 सीटों पर बसपा के जीतने के रुझान सामने आ रहे हैं उनमें सहारनपुर, फूलपुर, पवई, पुरकाजी और अमरोहा जैसे सीट शामिल है। ये बसपा अकेले लड़े तो जीत हो जाएगी लेकिन इन 4 सीटों पर भी बसपा कोई भारी भरकम जीत नहीं दर्ज कर पा रही। बिना बसपा के साथ सहारनपुर में बसपा 33.9% वोट प्राप्त हुए, भाजपा को 29.54%, जिससे इसके बीच का अंतर 2.36% ही रह गया। ऐसे में बसपा और भाजपा के बीच फुलवई को वही पुरकाजी और अमरोहा में एक अंतर क्रमश 3.34, 5.32 और 7.71% था। बसपा को ही नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है सपा को भी गठबंधन टूटने का हिसाब चुकाना होगा। बसपा का साथ हटने से सपा केवल 8 विधानसभा सीटों पर ही आगे जा पाएगी। वह इस बंटवारे में भाजपा को 31 सीटों पर बढ़त मिलेगी और अपना दल को 1 सीट प्राप्त होगी। कुल मिलाकर अगर 2022 विधानसभा चुनाव 2019 लोकसभा की तरह रंग दिखाएंगे और सपा बसपा अलग अलग चुनाव लड़े तो बसपा के हाथ 4 और सपा के हाथ 8 विधानसभा सीटें हाथ आएंगी। इन दोनों पार्टियों के अलग अलग होने से भाजपा को विधानसभा में 368 प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।